सर, लेकिन जब पीटीआई से सवाल किया जाता है कि एहतसाब सिलेक्टिव हो रहा है, ये अपोजिशन की शिकायत है, तो वो कहते हैं कि हमारे मिनिस्टर्स भी पेश होते हैं, जो केपीके के सीएम हैं वो भी पेश हुए हैं, ये अलग बात है। उन्होंने कल कहा कि मुझे क्लियर किया गया, आज नैब ने तहरीर कर दी, वो क्लियर हो जाते हैं, जो इधर से पेश होते हैं वो अंदर बंद करके चाबियां फेंक दी जाती हैं। बिल्कुल सही, ये तो नहीं होता ना, मतलब ये तो कोई भी ऑब्जर्वर जो है साइडलाइंस पे बैठा हुआ वो भी ये बात देख सकता है कि वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी हो रही। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में हमेशा वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी हुई है, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी कभी हुई नहीं है, सिर्फ विक्टिमाइजेशन हुई है, सिर्फ अभी भी वही हो रही है, अभी भी वही हो रही है, नथिंग हैज चेंज। तो ये तो एक दफा क्या, कई दफा भुगत चुके हैं ये सारी चीजें, इनसे डरने वाले दोनों लोग नहीं, जो पीटीआई से पीपल्स पार्टी पे जो इल्जाम है कि इन नैप केसेस की वजह से बिलावल साहब तक को उनके पास जवाब नहीं है ना, उनके पास तो यही इल्जाम लगाएंगे और क्या करेंगे, दे हैव नो आंसर। उनके अपने इत्तेहादियों को कल उन पे भी इल्जाम लगाएंगे, अगर थोड़ा ज्यादा वो आगे बढ़ गए फिर ठीक है, फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला के देखेंगे। बिल्कुल।